अंदर महिमान सिंह यहाँ के करना चाह रहा था ये आगे वाला सर आगे बढ़ रहा था स्केटिंग करके अटैक किया बेचारा। अच्छा उसका स्किड हो रहा है। यस सर। ये ऊपर उठा के लेके जा रहा है इसका कोई बैटरी एडवांस है क्या? सर वो सकता है पिछले टायरों पे दबाव बने। अच्छा 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 देखो ना साइंस तो हर जगह इन्वॉल्व है। इनक्रेडिबल सीन लग रही थी। यस यस अभी इसको आप ऐसे रेस्टोरेंट चला रही हैं तो खाने पीने का सामान बन जाता है। बनाते हैं खाने का सामान जी बनाते हैं तो ये है दुकान आपकी वॉन्ग चाहिए ओके लेकिन फिर जब जैसे अभी तो यात्रा चल रही है तब तक तो ठीक है उसके बाद फिर चलेगा उसके बाद पर्सनल जो है जरूरतों के लिए वो चलता ही है। लोग रहते हैं अच्छा जो कोई टूर बाइकर्स आते हैं कुछ इस टाइप के तो अच्छा अच्छा थोड़ा इनकम हो जाता है। अच्छा ठीक है। ये वाले हट्स तो केम्बियन के होंगे केम्बियन के होंगे ये वाले हट्स ये हमारे केम्बियन का सेटअप है ना केम्बियन का वाला ये भी केम्बियन के है। ये जब ये बना रही हैं अभी बना रही हैं बन गया ओके दे दो ये बन रहा है क्या कहते हैं ये जो यहाँ का लोकल रोटी है ना हाँ थापर थापर किस चीज से बनती है गुट्टू का आटा होता है गुट्टू से बनाता है ये तो गुट्टू उगता है यहाँ पे हाँ हाँ अच्छा वो जो सौर परिवार ऊपर हैं तो अभी इस दौरान खेती बाड़ी करते हैं जी कुछ लगाते हैं खेती थापर हो गया पलटी हो गया और आलू लगाते हैं तो खाएंगे कब उसको फिर अक्टूबर में अक्टूबर तक यहीं रहना है उनको अच्छा अक्टूबर में डाउन तो यानी कि उनके यहाँ रुकने के महीने कब से कब तक हो गए सर मई में आ जाते हैं उनको मई से उस तो अप्रैल में ही आ जाते हैं वैसे मई से तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर छः महीने रहने पूरा जी जी अच्छा तो काफ़ी है हाँ सर ना ऊपर हुआ उसके बाद हम उधर पार कर जाएंगे अचानक इतने कुत्ते कैसे आ गए अभी फॉर नो रीजन बहुत खूबसूरत ट्रेन है ना बिल्कुल एक है ये नोमैन चलाने से कितनी दूर है यहाँ से सर जो आगे दिख रही है बर्फ सर व्हाइट कलर की हाँ वो सर नोमैन यहाँ जो आप यात्रा जो करते हैं कहाँ तक करते हैं यात्री जो हाल हो रहे हैं
नाभी नाभी विलेज ना, वो जो सामने दिख रहा है वो है आपने बताया रोंगकांग। यस सर, रोंगकांग विलेज। ये तो भाई बड़ी नदी आ गई, कौन सी है ये? कुटी है, ये कुटी आ गई है। यस सर। ओके, तो पुल आएगा मतलब तो कुटी पे। ये तो बहुत मेजेस्टिक रिवर है भाई ये। इसका सोर्स क्या है? गोरी गुंड, पार्वती गुंड। कोई बड़ा ग्लेशियर होगा यार इसका, इतने बीच में इतना बिना बड़े ग्लेशियर के कैसे आएगा ना? ये कुटियालो का मंदिर है। यस सर। क्या नाम है मंदिर का? मंदिर कुणागिरी वाला। कुणागिरी यही है वो ना। यस सर। होम स्टे देखने के लिए यहाँ के होम स्टे की तो बहुत तारीफ होती है ना वैसे भी, कुटी के होम स्टे की जगह जगह, कुटी के होम स्टे की तो बात हो रही है हर जगह। एक बार जरा इसको देखते हैं कॉन्सेप्ट, इस पे भी चर्चा होगा क्योंकि केएमबीएन में भी इन्होंने बीच बीच में क्या बना रखे हैं, कुछ खेती हो रखी है? यस सर। केवल कुटी में ही हो रही है खेती और तो कहीं नहीं हो रही? नहीं सर, गुंजी में तो नहीं देखी खेती बाड़ी मैंने। यहाँ पर भी बहुत सीमित है सर, इनका कोई जंगल ही नहीं है सर। हाँ, ये पैदल है बेचारे, नम्फा नाला से ऊपर कोई कीड़ा नहीं मिलता है महोदय। नमस्ते, क्या नाम है? दम्यंती कुटिया। तो अभी आप माइग्रेशन में ऊपर आए हैं कि ऊपर ही रहते हैं? और धारचूला में भी खड़े? धारचूला में कहाँ पे है? खोती में। तो अभी खेती वगैरह कर रहे हैं? इस बीच कर रहे हैं खेती। नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण कुटियाल जी, दो दो कुटियाल हैं? तो यहाँ पे कोई जाड़ों में तो पूरा खाली रहता होगा ना? पूरा खाली, एक भी आदमी नहीं रहता होगा? भी नहीं है। ये जो घर में कोई रहता नहीं होगा क्या? छत पे सब्जी उगाते हैं? रूफ पे सब्जी उगाने का कॉन्सेप्ट पहली बार देख रहा हूँ मैं। नहीं, कई घर ऐसे हैं सर, जम्बू मिट्टी जमा देते हैं। जम्बू नहीं, वो ये जम्बू नहीं है, यहाँ जम्बू भी उगाते हैं। जम्बू उगाते हैं, जम्बू उग जाता है इसमें। हेलो बेटा, आपकी मम्मा कौन? मम्मी का मम्मी मम्मी उधर है, और पापा का है? पापा पापा तमो को भी उधर है, सब उधर है। आप इसकी मम्मी है? नमस्ते सर, प्लांटेशन किया है सर। किस चीज का? ये फूल जो लगाए हैं बहुत सुंदर, आपने लगाए हैं? पॉपुलर है, पॉपुलर। पहले मैं 15 पेड़ लाया था, अभी मेरे पास 200 पेड़ है। आपको शौक होगा ना? जी हाँ, तो देवभूमि है ना, इसके सौंदर्यकरण के लिए भी, वेरी ब्यूटीफुल, और वैसे वातावरण के लिए भी ऑक्सीजन की कमी होती है सर। बहुत सुंदर, नर का नरदा ढाबा। कौन है नर यार? नर नरेंद्र ना होता है ना। मोमो, चाउमीन, अंडा और बंद, समोसा, चाय, चावल दाल। हर कलम की ताकत हर दुनिया की ताकत से सबसे अधिक है, परंतु एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। देख लेंगे,
इधर तो रुकेंगे ना हम? यस सर, थोड़ा चाय पानी फ्रेश हो लीजिए सर। हाँ। और फिर गाड़ी इससे आगे भी जाती है? यस सर, पार्वती कुंड तक। यस सर। जॉलिंगकॉम की हाइट कितनी बताई? 4630 मीटर। ओके। पानी तो नहीं टपकता होगा ना? तो हमको पहले पार्वती कुंड करना चाहिए, क्या करना चाहिए पहले? पहले क्या करना चाहिए? ट्रैक जॉलिंगकॉम से पार्वती कुंड की दूरी कितनी? भाई 2.5 से 3 किलोमीटर। और जॉलिंगकॉम से गौरी कुंड सेम है? सेम है सर, रूट्स अलग अलग। रूट्स? यस सर। 2.5 किलोमीटर यहाँ से पार्वती कुंड गौरी कुंड। ये है जो दिख रहा है जी महोदय, ये आदि कैलाश। आदि कैलाश का नहीं, अगर आदि कैलाश साफ होता व्यू, आदि कैलाश यहीं से दिखता ना सर? यस सर, तो आदि कैलाश व्यू पॉइंट यही है। यस सर। हेलीपैड तो अच्छा लग रहा है। गाड़ी रोकनी पड़ेगी? नहीं गाड़ी जाएगी। क्या इसके आगे जाने में दिक्कत है? देखना पड़ेगा सर, ट्रैक हम डालें आगे? नहीं चढ़ तो जाएगी ही, चढ़ने में क्या दिक्कत है? यहाँ से कितने दूर है? पुल लगा के डाल देते हैं, क्योंकि वैसे भी इस पानी को क्रॉस कौन करेगा? पुल बना हुआ क्या उसमें? यस सर, पुल बना हुआ है। जगह है इतनी हमारी गाड़ी के लिए? यस सर, निकल जाएगी। थोड़ा ऊपर से लेना करे। आदि कैलाश धाम में आपका स्वागत है। सड़क तो लगता है बहुत आगे तक कट चुकी है, देखा जाए सर। हाँ। 3-4 किलोमीटर आगे कटी है। अब निकालेंगे यहाँ पे कब सड़ के मैंने निकालेंगे? सावन के महीने में पूर्ण निकालेंगे सर। ये जून के बाद जो बरसात का सीजन था उसमें ये था। आप स्कूल वगैरह गए? स्कूल के क्रिसमस गए हैं, 4 तक गए हैं। 4 तक गए बस। आप भी इनके साथ हैं? आपको भी आ जाइए इधर। क्या नाम है आपका? योगेश। दानू कहाँ के रहने वाले? आप भी सिमको लगे हैं? आप किस महीने में आए थे? जून में सर। जून में आए थे, कब तक रहोगे? लास्ट तक सर। कितने जानवर हैं? जानवर है 6। और वो जो 1100 आपके हैं? अच्छा रहना इधर भी व्यू पॉइंट। बकरी वालों के बस बच्चे तो अपना, इसका नाम तो कुछ होगा ना?
अरे यही को नो क्यों ये कुकरो नो क्यों क्या बढ़िया काली काली कालू काली काली बोला काली पहचान रहा है अपना इसको बिस्किट दे दो यार काल का कोई नाम तो होगा नहीं इनको तो पता होगा ना केशव आश्रम में इस तरह की फोटो पर अमृतस्य पुत्रा फोटो में साउथ से केरला से आए सब लोग यस सर केरला से आए हाउ मेनी पीपल 24 ऑफ देम इट्स वेरी नाइस आई एम सो ग्लैड पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट हियर क्या रहता है क्या क्योंकि हाइट ज्यादा है ना अगर यहाँ पे इतनी कम है तो ऊपर भी इतनी कम मिलेगी सर वहाँ तेज होगा थोड़ा वहाँ ज्यादा तेज मिलेगी जी जी आई सी और जो अभी ये जो दिख रहा है अभी अभी जो पैक हो रखा है जी जी तो बारिश भी है जी वहाँ बारिश है अभी लेकिन है 45 मिनट का सर सब लोग नहीं चल पाएंगे ना 45 मिनट किसी की बात तो कंप्लीट कर लेंगे आपकी स्टेमिना तो पता है सर चलो चलते हैं आगे तक राइट छाते और रेनकोट हम ले रहे हैं एक ही छाता है वहां दो छाते का 4,630 मीटर की हाइट पर हम लोग हैं ठीक है ये रास्ता जा रहा है ये रास्ता जा रहा था ये जो वो जो बर्फ दिख रही है बर्फ तक पहुंच जाएगा ठीक है सब रेनकोट पहनो बहुत बढ़िया ये तो बढ़िया हेल्प करो एमडी साहब को जीप में हाथ डालने का सिस्टम नहीं है इसमें जीप में हाथ डालने का मन कर रहा है कहाँ से पकड़ूंगा छाता हाँ इसमें जेब अपने जा रही है हाँ ये एडवेंचर तो होगा ही तो ट्रैक के लिए हम रेडी हैं या कुछ कुछ चीजें अभी बचती हैं पानी कोई रख ले मेरे भाई कुछ भी जगह तो लाजवाब है यार दिस लैंडस्केप इज वर्थ इट टोटली वर्थ इट चलो हाँ तो गिन लो भाई कितने मेंबर्स हैं हम अलग अलग ना हो जाए गिनती करो वॉकी टॉकी रेंज देगा वहां तक वॉकी टॉकी रख लिया यस सर ये सब देखो ये सब ये वैली ऑफ फ्लावर्स में
वैरायटी अलग अलग है इसमें, पीले का भी पिंक का भी फ्लावर है। फूलों की घाटी जो दिख रही है क्या है ये वाली धूप है? लोकल धूप, लोकल धूप है लोकल जो चलाते हैं ना, धुआं अच्छी देखो अगरबत्ती का, अगरबत्ती जलती है इससे, मतलब अगरबत्ती का एक धुआं है जैसे जैसे वो सुखाने के बाद गीले में जलता है, सुखाने के बाद। आप लोग कहाँ से बैठे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का इंस्टीट्यूट है, नहीं किसमें प्लांट साइंसेज किसमें? सब अलग है फील्ड पे। आप किसके हैं? यू आर माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आप मैम? बॉटनी। मैं थोड़ा नाम बोल सकती हूँ? औषधीय फायदे? वेरी नाइस मैम, हम लोग आएंगे आपकी यूनिवर्सिटी में, फिर आपसे लेंगे सब क्लासिफिकेशन। अभी ट्रैक तो करेंगे ना, हम लोग कर चुके हैं। पोस्ट डॉक्टरेट हो रही है? पोस्ट डॉक्टर नहीं, बेसिकली हम लोग एक नेशनल मिशन पे काम कर रहे हैं। हम लोग रिसर्च है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है ये। प्रोजेक्ट है सेंटर का? सेंटर का है। इस इलाके में किस कितने तरह का प्लांट वेजिटेशन होगा स्पीशीज मोटे तौर पर? सर इस अगर इस ट्रैक में हम देखें तो अराउंड 25 टाइप के हैं, 25 अलग अलग तरह के पौधे हैं। इसमें श्रब दो टाइप के हैं और बेसिकली पूरे हर्ब्स हैं इसमें। श्रब तो एक दिन दिखा मुझे, जूनिपर है, जूनिपर है, जूनिपर इज अ श्रब हियर। यस ओके, थैंक यू सो मच। अब ये सेट वहाँ काम करेगा? जी सर, वहाँ पर जन्म इसमें बेस कैंप जोलिंगकॉन्ग। थैंक यू। ये यादी कैलाश का बेस है और ये निकल रहा है गौरीकुंड से। ये देखो ऐसे जगहों का ना ज्यादा स्पर्श करना चाहिए। चलो आप लोग भी स्पर्श कर लीजिए। थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाइए, क्या पता बहुत खुल जाए। आदि कैलाश के दर्शन होते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेस कैंप जोलिंगकोंग। अभी हम गौरीकुंड से नीचे की ट्रैक शुरू कर रहे हैं सर। देखिए क्लियर हो गया। अरे क्या था अब क्लियर, अब क्लियर। वाह भैया, इसी तो पूरा डिवाइन इंटरवेंशन हो गया भाई। टोटली वर्थ इट हो गया भाई एफर्ट। बुराई खुल गया चलिए। देखना डिसेंट का टाइम सर, 2 बजे नीचे निकल रहे हैं। शॉर्टकट नहीं यार, नहीं रोड एक्सपेरिमेंट हमारी यही है गाड़ी, रोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वेलकम हो गया। आप क्या करना है? नहीं, आपको चाय पिलाओगे?